अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कश्मीर में हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे माशाल्लाह से। देखिए आप लोग, कबूतर खाना दिखा पीछे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में दिखा। महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, डिटेल्स बताओ इसके बारे में, डिटेल्स बताओ इसके। महाराजा हरि सिंह का बेटा का है, उसने ये बनाया है कबूतर खाना। बोलो आप। जो महाराजा हरि सिंह का बेटा है वो इधर रहता था, वो इधर कबूतर पालता था, तो अभी वो तो बाहर रहता है, अभी इधर कबूतर है उसके। जो महाराजा हरि सिंह है उसका जो जहाँ पे रहता था वो पहाड़ पे है। अच्छा, इस वाली पहाड़ पे है ना वो अंकल? जी जी, वो महल, वो वाला महल जो व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट वाला जो पहाड़ों, महाराजा हरि सिंह पहाड़ों के बीच में जो है महाराजा हरि सिंह की महल है, वो उसी का घर है, उसकी हिस्ट्री है महाराजा हरि सिंह का। वो तो इधर बादशाह था, वो महाराजा था उस टाइम, महाराजा था। ये पूरा बर्फ है, ग्लेशियर से। इतना ठंडा है यहाँ पे मौसम, पूरा माइनस डिग्री में चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। पानी भी जो है आइस हो जा रहा, एंड बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ की लैंग्वेज भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है लोगों का दिल भी बहुत पाक है, और मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से। यहाँ पे बहुत मोहब्बत मिल रही लोगों से, देखिए माशाल्लाह बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये निकाल के रहने नहीं हो रहा इसके बिना बहुत मुश्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जरा इरम जी, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? पानी, गरम गरम पानी या गरम गरम चाय आप लेके जी, यहाँ पे वो चाय, कावा, यहाँ कुछ मैगी, पकोड़ा, आपको कुछ पीना है मैं शिकारा रोक सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, यहाँ कुछ भी खाने पीने की भी चीजें मिलते हैं जी। कल मैं गुलमर्ग गया था और वहाँ पे माशाल्लाह से, वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारे एक्टिविटीज भी करा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यहाँ से कॉफी पियेंगे अंकल जी, यहाँ से ले लो ना कॉफी पियेंगे। नहीं नहीं, जो आगे आएंगे ना वो शिकारा पे आता है, वो बेचने वाला। ओके ओके, मतलब ठीक है, आगे चलो फिर कहवा लेते हैं। तो हुसैन साहब, मुल्ला जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कश्मीर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह, ये यहाँ के खुद लोग हैं, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ के हैं, ये हमारे माशाल्लाह ये मुंबई से आए हुए मैगी खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। हेलो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे हाउस बोट है जी, यहाँ पे हाउस बोट भी है माशाल्लाह से, अंदर बहुत लग्जूरियस है, कर सकते हैं जी। हुआ तो मैं रात में यहीं पे रुकूंगा इंशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा है नजारा, और बहुत मेहनत है, सर्दी बहुत है, यहाँ से कमर रख के बैठे ये देखो, यहाँ से हो गया हाउस बोट स्टार्ट, ये जो सेकंड वाला हाउस बोट है ना सर जी, ये यहाँ पे फाइव स्टार हाउस बोट है, इसका 25,000 रुपीज रेंट है, एक रूम का, एक नाइट का, एक रूम का 25,000 रुपीज, हाउस बोट सुकून जी। और जो बाकी है ना, बाकी में होता है 5,000 से स्टार। अच्छा, इसमें 5 बेडरूम है, हाउस बोट में होता है 2 या 3 बेडरूम, लेकिन इस हाउस बोट में 5 बेडरूम है। ये ओल्ड भी होगा, पुराना भी होगा, इनका जो बोट है ना क्रॉसिंग के लिए होता है जी, ये खुद का बोट है इनको क्रॉसिंग के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम कश्मीरी लैंग्वेज भी सीखेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते, खाना खाएगा क्या? तो बात खेमो, हाँ बात खेमो, बात खेमो, चाय चेमो,
बात खेमो मतलब खाना खाए क्या, कैसे हो आप बोले तो? ठीक चुका मादशा। लेकिन हुशबुश बोल के एक वर्ड है यहाँ पे, देखो करके है। तो अभी मैं एक मॉल में गया था शॉपिंग को, तो उन लोग बुशबुश करे मेरे को देख के जी, तो बुशबुश मतलब देखो बोल के। देखिए माशाल्लाह कितने सारे परिंदे भी हैं यहाँ पे। आमीन आमीन स्वामी। देखिए कितने सारे परिंदे हैं। घर दिख रहे हैं ना आपको, ये आइलैंड है, यहाँ पे बीच में पानी के बीच में जमीन होता है, उसी के ऊपर घर बने हुए हैं जी। लेकिन इनका रास्ता है खाली नाव का, इनको नाव से ही आना जाना पड़ता है। इनके पास जो एक्स्ट्रा जमीन होता है ना, उसके ऊपर करते हैं खेती बाड़ी, सब्जी लगाते हैं, साग शलगम मूली। और कहाँ पे जा रहे हैं हम? फ्लोटिंग मार्केट जो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर मार्केट है। मिलेगा सब कुछ जो भी चाहिए मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगा, अखरोट मिलेंगे, केसर मिलेगा, शिलाजी मिलेगा, और आपको मिलेगा कश्मीरी, जो हमारा जो है कश्मीरी मिठाई मिलेगी आपको उसमें। जी 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 जी। ये सब हाउस बोट है यहाँ से, बहुत खूबसूरत है, वो सब सुकून है, लकड़ी होती है कश्मीरी फेमस लकड़ी, उसी से बनी हुए थे सब, इसमें कुछ आयरन वायरन ऐड नहीं होता है। देखो सर जी, वो लोगों की मस्जिद है यहाँ पे, यहाँ पे मस्जिद भी है ना, जूम करके जूम करा देंगे, खूबसूरत मस्जिद है ये, मस्जिद है। देखो यहाँ पर आयरन पे है, ये स्पोर्ट्स पॉइंट है यहाँ पे, वो वाटर स्कीज होता है यहाँ पे, जेट स्की की सवारी होती है, मोटर बोट की सवारी होती है, बनाना राइड होता है, सोफा राइट होता है। ये देखो वो रखते हैं एक बोट बाहर, अगर आपको करना है ना, आपको उस बोट के ऊपर चढ़ना है। नहीं, मैं कुछ भी स्टंट्स वगैरह नहीं करूंगा, सिर्फ देखूंगा बस, अल्लाह की नेमत है। जी जी जी। और सुनाइए सब खैरियत से हैं? मोहम्मद मुकस्सिर हुसैन साहब, जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा। और महमूद आमरी, जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा। हिना खान जी, जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा। देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर है माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर है माशाल्लाह। इसे डल लेक बोलते हैं क्या? इसको ये इसको डल लेक बोलते हैं, और यहाँ पे शिकारा राइड और बहुत सारे राइड्स रहते हैं इंशाल्लाह। फेमस और सेंटर पॉइंट है ये कश्मीर का फेमस और सेंटर पॉइंट है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डिशेस भी यहाँ पे मिलते हैं माशाल्लाह से। और सारी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो इधर ही रुकते हैं, स्टे करते हैं। अच्छा जी, गनी अब्दुल अस्सलाम वालेकुम, इमरान व्यापारी अस्सलाम वालेकुम। ये भी रखते हैं दो बोर्ड बंद, एक ही रखते हैं बाहर, सीजन में होते हैं तीनों यहाँ पे। रेमेडी बताएं सर, तकलीफ है तो। शाह मोहम्मद भाई आप फोन कीजिए मेरे नंबर्स पे, इंशाल्लाह मेरी टीम आपको गाइड करेगी। पर है ये नाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वलीउल्लाह शरीफ भाई, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डीजे इशफाक जी, आई एम हियर जी। बाइक चलानी है, ये बाइक
देखेंगे इंशाल्लाह। पानी लगेगा तो नहीं ना बड़ी? नहीं नहीं, इसमें पानी नहीं आता है। सेफ है ना? इंशाल्लाह ठीक है, अच्छे से चलाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह राइड करूंगा अभी, देखिए इंशाल्लाह। उसकी रील आएगी, रील आएगी उसकी, मैं वीडियो डालूंगा, उसमें भी पानी नहीं आएगा। तो सैयद आसिम जी वालेकुम अस्सलाम, हसन अल अहमदी वालेकुम अस्सलाम, आयशा फातिमा जी अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सैयद नौशाद जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हिना खान जी जरूर इंशाल्लाह, इम्तियाज भी वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका फैन अदनान, बहुत बहुत जजाकल्लाह खैर अदनान भाई। तो हसन अल अमूदी, हसन वालेकुम अस्सलाम, बहुत खूबसूरत वादी में घूम रहे हैं माशाल्लाह। कौन कौन से रहते हैं इसमें? कौन कौन सा है ये कौन सा है? ये सोफा वाला एंड दिस इज जेट स्की, हां एंड दिस इज सर्फिंग एंड हियर इज आल्सो जेट बोट। व्हिच राइड यू वांट टू डू? सर्फिंग काम जी, आ जाओ ये वाला। इसमें कुछ बैलेंस तो इसको खाली आपको पकड़ना है और शू चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है आज तो मैं तीन तीन सॉक्स पहने हुआ हूँ लेकिन फिर भी अंदर ठंडा है। अच्छा फिक्स रेट है? पहले मैं उतरूंगा, मैं बाहर ही एक मिनट इंस्पेक्शन पास उतर या ऑपरेशन ये भी भूल वैसे ये बोट है बेटा कुड पे किया। ना 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 किन मा कर मा कर, कैसे जाना पड़ेगा? आ जाओ इधर से, ऊपर से आ जाओ, इधर इधर से बस बस जी, फोन पकड़ लो, इधर छोड़ दो, फिर पकड़ लो, वीडियो बना लो। हाँ पहले अंदर तो चलो, आ जाओ आ जाओ। आराम से, कोई नहीं ना, सर्फिंग ही कर रही है जी। अगर आप मेरा मानो कि सुनो, अभी ठंड है, अभी ठंड लगी, हाँ हाँ हाँ, आप मेरा मानो, ये करो ये करो, ये जेड बोट काम करो, यही करो। इसका बट डिफरेंट है सर, इसका प्राइस हाई है कि और आप चलाओगे स्टंट होता है, ड्रिफ्ट होता है इसका, मगर इससे जो राइड होता है ना, इसका डिस्टेंस वाला राइड इससे बड़ा होता है। इसका जो होता है सर्फिंग का, इसका होता है वो शिकारा, देख रहे हैं आप जी, इतना बड़ा राइड सर्फ कर रहे और इसका 1200, वो देख रहे हो वो सारा, इतना बड़ा राइड मिलता है सर्कल में ओपन लेके, स्टंट भी होता है ड्रिफ्ट भी होता है और आप खुद चलाओगे सर जी, राइड भी वैसा ही, आपको मजा भी आना चाहिए। आप ये नहीं बोलो आप खुद चलाओगे, इंस्ट्रक्टर पीछे बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन देगा कैसे क्या चलाना है। अगर अच्छा लगे आप ले सकते हो, उसमें कोई फोर्समेंट नहीं है। ठीक
ठीक है। गिर जाएगा, गिर जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। बी सेफ, बी सेफ। आपकी बारी भी आई भाई। ओके, कैंसर हो, कैंसर हो, बकवाच खुद खराब पज पे पज पे बकवाच खुद खराब तमुक डॉक्टर तो बच्चे आने का तमुक तलाज कर मतलब 95% मतलब रिपोर्ट आ
مطلب یہ مسلمان مطلب ہو دیں جڑی بوٹی جی الحمدللہ سے پھر سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ السلام علیکم